मोटर है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, क्या मसला है? ये मोटर खराब हो चुकी है, इस कंडीशन में हम इस मशीन में से मोटर खोलेंगे और इस मोटर को लगाएंगे। इस मोटर को कैसे फिट करते हैं, इस तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको। ये वॉशिंग मशीन का बेक ढक्कन है, इसके अंदर कुछ पेज होते हैं, उन्हें खोलोगे तो ये ढक्कन हट जाएगा। हटाओगे तो ढक्कन हटाने के बाद आपको ये मोटर दिखेगा। ये मोटर में ये वोल्ट है, इस वोल्ट को 10 की गोटी से खोलना है, किसी किसी में 8 की गोटी का भी यूज़ होता है। इसे खोलने के बाद आप ये देख रहे हो, ये ब्रेक सिस्टम है, इस ब्रेक सिस्टम को भी आपको खोलना होगा। उसके लिए यहाँ से ये जो पिन में अटका पड़ा है, इस पिन से आपको बाहर निकालना होगा। उसके बाद आपको ये ड्रेन भी खोलना होगा, ड्रेन की रस्सी आ रही है, ड्रेन को भी खोलना पड़ेगा। इसके बाद ये डोर है, इस पर आ जाना आपको, ये ढक्कन उठाना है, इसके अंदर से इसे भी खोलना पड़ेगा, इस छोटे ढक्कन को भी, जब जाके हमारा ड्रम बाहर आ पाएगा। ये हमने खोल लिया है, अब हम ड्रम निकालेंगे। प्यार से निकल जाता है ड्रम। ड्रम बाहर निकालने के बाद आपको ये स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू होते हैं, ये सारे स्क्रू खोल लेना है। फिर इस वॉशिंग मशीन को आपको उठाना है, ये उठकर एक साइड रख देना, उठाकर इसे वॉशिंग मशीन को एक साइड रख के आपको, फिर आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। ये हमारा मोटर है, अब इसकी ये वायरिंग जो है, इस वायरिंग को यहाँ से कट कर लेना है। कलर कोडिंग याद के लिए आपको ये गीठा बांध देना है। ये आपकी मोटर आ चुकी है, अब इस मोटर को आपको खोल लेना है। यहाँ से स्क्रू खोलेंगे, यहाँ से और यहाँ से। ये शॉकर है, इस शॉकर में से स्क्रू खुल चुके हैं, अब इसे आप उठाओगे तो ये हाथ में आ जाएगी। मोटर खोलने के बाद अब हम बफर की तरफ चलेंगे, बफर को भी निकालना ज़रूरी है। आपको प्लास की मदद से इसे साइड से पकड़ना है, जब ही आपका बफर सील बाहर आ पाएगा, और खींचना है। ये आ गया, अब इसे निकालना है हमें। इसको पेचकस की मदद से यहाँ से उठा के खोल लेना है, ये से खुल गया। ये मोटर है, ये पूरा सिस्टम है, ये जो इतना एरिया, ये हमारा मोटर है और इन्हें खोलना पड़ता है। ये प्लेट होती है जो पानी से बचाती है, इस मोटर में ये प्रॉब्लम है कि ये प्लेट पे आप देख सकते हो जंग वगैरह कुछ नहीं है, मतलब इस पर पानी नहीं आया है, बट ये लोड के मारे इसकी वाइंडिंग वीक हो गई है। ये घूम तो रहा है, कैपेसिटर भी चेंज करके देख लिया, घूमता तो है बट स्पीड नहीं घूमता, ये स्लो घूमता है। इस कंडीशन में इसकी वाइंडिंग जो होती है वो वीक हो जाती है, मोटर हीट हो के। तो अब हम आपको ये मोटर खोलकर दिखाएंगे कैसे खोलना है इस प्लेटों को और कैसे फिट करना है। नट बोल्ट को पहले आपको खोलना है। अब आपको ये ब्रेक, ये जो तार दिख रही है, तार को निकाल के अलग कर देना है। फिर इस स्प्रिंग को खोल लेना है, इस लॉक से बाहर निकालोगे निकल जाएगी ये। ये स्प्रिंग निकालने के बाद आपको इसे साइड कर लेना है, ये तीनों पेज को खोल लेना आपको। इस पुल्ली को निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, इसे आपको नॉक प्लास से, नॉक प्लास से पकड़ना है और यहाँ से घुमाना है। इसे घुमाओगे, रोटेट करोगे तो ये बाहर निकल जाएगी। अब ये मोटर पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है, सारे पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। अब आपको हम कुछ देर में इसे असेंबल करना भी सिखाएंगे और फिर वॉशिंग मशीन के अंदर लगाना, फिट करना भी बताएंगे। ये मोटर हो गई हमारी जो न्यू लाए हैं हम, 6 महीने की वारंटी है। ये प्लेट हो गई इसकी,
पानी से बचाने के लिए, और ये भी प्रोटेक्शन अलग से लाए हैं ताकि पानी नहीं जाए मोटर के अंदर। ये तुम्हारी पुल्ली हो गई, ये स्प्रे हो गया। कैसे फिट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मोटर के ऊपर आम पापड़ डालना है, फिर इन सुराखों पे निशान लगा लेना है पेचकस से। पेचकस से ये होल पे निशान लगा लेना है, ताकि फिर आपको ये प्लेट रखना है इसके ऊपर। फिर ये पेज जो निकाले थे आपने, इसके ये पेज लगाने हैं आपको। पुल्ली ले लेनी है आपको, इस पुल्ली को फिट करना है। ये जो नोब देख रहे हो ना, ये शापट जो देख रहे हो, इसकी फिट करना है आपको। ये पॉइंट है, ये शापट के अकॉर्डिंग डालना है आपको नीचे इसके अंदर ऐसे। ये पेज जो, ये नट बोल्ट जो निकाला था आपको, यहाँ पे टाइट करना है। ये पुल्ली लगा ली हमने, अब ये ब्रेक शू का स्प्रिंग हम इसमें फंसाएंगे इसके लॉक में। हम मोटर सेट करने आ रहे हैं। जिस तरीके से निकाला है उसी तरीके से आपको लगाना है। अब इसके इन कोनों पर जहाँ से हमने पेज खोला था, यहाँ पे पेज लगा देंगे। ये वायर है, इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे कलर कोड के अकॉर्डिंग, या कभी कभी विदाउट कलर कोडिंग भी होती है, तो वो मैं आपको जब वायरिंग सीखेंगे हम उसमें बताऊँगा मैं आपको। फिलहाल तो हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसे जोड़ने वाले हैं। ये हमने वायरिंग जोड़ दी है इसकी, अब हम यहाँ पे बफर सील लगाएंगे। ये यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका हमारा। मोटर फिट होने के बाद अब हमारे पास जो काम बचा है वो बफर सील को लगाना। अब हम इस बफर सील को फिट करेंगे। इस बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं हम बफर को चिपकाने के लिए। अब ये बॉन्ड पूरे में अच्छे से आपको लगा लेना है, फिर सील इसके ऊपर रखकर फिट कर देना है अच्छे से। पुश करना पड़ता है ज़ोर से जब भी फिट होगा, वरना नहीं होगा। हमारा बफर सील लग चुका है, अब हम लगाएंगे ड्रम। ड्रम फिट करेंगे अब इसके अंदर। सील के अंदर जो होल होता है उसके अंदर डालना है, ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। छोटा सा पेच कसना है जो आपने खोला था, ये जो पेच खोला था आपने, ये पेच कसना है आपको। ये ब्रेक शू का सेट लगाना है इस पिन से डालकर, और इस प्लास्टिक वाले को इसके नीचे फंसा देना है। ये ड्रेन की रस्सी लगा देनी है आपको वापसी से, और ये वापसी ही लगा देना है ब्रेक शू का। यहाँ का भी कवर फिट कर लेना है। मशीन का बोर्ड में ताल लगाते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करके चलता ही नहीं। ये चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेक लग चुका है, अब देखना चलेगा ये फिर से। मैं आपको पीछे के एरिया से दिखाता हूँ, ये फुल स्पीड में चल रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग मशीन का मोटर खोलना और लगाना सिखा दिया है। बाकी और वीडियो हमारे आने वाली है गेयर बॉक्स के ऊपर, वायरिंग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी आपकी कोई एडवाइस हो, या कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, या कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ आप मुझे बताना चाहते हो कि मैंने क्या गलतियाँ करी है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगा और कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा।